हानिया, हानिया। जी बाबा। जी बाबा। ये क्या किचन में तूफान है, बदतमीजी मची हुई है, और ये तुम चाय को इतनी तेज आग पर रखकर चली गई। बाबा मैं तो सारी सफाई करके गई थी और ये चूल्हा भी धीमा करके गई थी। तो इसका मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ और तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या हो रहा है किचन में? नहीं बाबा मेरा ये मतलब नहीं था। कोई भी मतलब हो तुम्हारा, देखो अब ये बचपना छोड़ दो, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग कर रहा हूँ, समझ गई तुम? सुधर जाओ, बचपना छोड़ दो, तबाह कर दिया सब कुछ। मम्मी को भी अभी फोन करना था। जी मम्मी। अच्छा जी ठीक है ठीक है। मैं तो सब ठीक करके गई थी, इसको ढक कर गई थी, साफ सफाई करके गई थी, ये सब कैसे हुआ? अरे आओ आओ हैदर भाभी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आइए आइए आइए। थैंक यू। अरे थैंक यू। बैठे बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा? बाबा मैं ठीक। बैठे। भाई हैदर फोन कर देते आने से पहले तो तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी डिश तैयार करके रखते। अरे नहीं नहीं अपना घर है, कोई तकलीफ की जरूरत नहीं। यू नो व्हाट, पता नहीं अजीब सा डर लग रहा है। कि अंकल का पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। बाबा इनकार कर ही नहीं सकते, वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बस फिर दुल्हन बनने की तैयारी करो। अच्छा ठीक है मैं नीचे जा रही हूँ। ओके ठीक है। और मिर्जा चुनाव बिजनेस का क्या हाल है, कैसा काम चल रहा है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, टीम बहुत अच्छी मिली है। मैं तो कम ही जाता हूँ दफ्तर, लेकिन हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका मतलब है कि काम जो है अब ऑटो पे आ चुका है। मिर्जा प्लीज, हम यहाँ बिजनेस की बात करने नहीं आए थे। सॉरी सॉरी। कोई खास बात है भाभी? भाई साहब हम आपसे यहाँ कुछ मांगने आए हैं। जी हुक्म कीजिए। दरअसल हमें शहजीन बहुत पसंद है, हम उसे अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। क्या? हाँ हाँ, हम शहजीन को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, हम मात के लिए उसका रिश्ता चाहते हैं। माफ कीजिएगा भाभी, मैं शुरू से ही वट्टे सट्टे की शादी के बहुत खिलाफ हूँ, मेरी तरफ से माजरत कबूल करें भाभी।